हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेक कुकिंग इज विद आराध्या। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट स्पंज केक। इसकी रेसिपी बहुत ही इजी होती है और तो और हम इसे बना रहे हैं बिना अवन, माइक्रोवेव या अंडे के। और अगर आप इस रेसिपी को एकदम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आई गारंटी यू कि आपका केक बहुत ही सॉफ्ट, स्पंजी और डिलिशियस बनकर आएगा। तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक केक टिन को ग्रीस कर लेंगे। मैं यहाँ पे 7 इंच का केक टिन यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो किसी और मेजरिंग बिट का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर लगा देंगे हम बटर पेपर और फिर से तेल से ग्रीस कर लेंगे। आप सरसों का तेल बिल्कुल भी मत यूज़ करिएगा क्योंकि उसमें बहुत ही शार्प टेस्ट और स्मेल होती है, तो आप रिफाइंड ऑयल या फिर सनफ्लावर ऑयल ही यूज़ करिएगा। तो केक बेक करने के लिए हमारा केक टिन है तैयार। अब देख लेते हैं हम इसे कैसे बेक करेंगे बिना माइक्रोवेव या अवन के। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया और उसमें मैंने डाल दिया है 1 से 1.5 कप नमक और उसके ऊपर रख दिया है एक वायर स्टैंड। आप चाहे तो एक छोटी सी कटोरी भी ले सकते हैं वायर स्टैंड की बजाय। और अब हम इसे ढक कर प्री हीट कर लेंगे 10 मिनट तक लो फ्लेम पर। और ये हमारा रेडी है छोटा सा एक बेकिंग सेटअप। तो चलिए उस 10 मिनट में बना लेते हैं केक का बैटर। तो एक बोल में हम लोग सबसे पहले लेंगे 3 बड़े चम्मच तेल, फिर से रिफाइंड ऑयल या सनफ्लावर ऑयल ही, और 3 बड़े चम्मच बटर। बटर और तेल दोनों रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। आप बटर को पिघला कर ना ले, आप उसको बस सॉफ्ट कर लीजिए रूम टेम्परेचर पर आकर। और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप पिसी हुई शक्कर और 1/2 कप कंडेंस्ड मिल्क। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे जब तक ये थोड़ा सा लाइट और फ्लफी नहीं हो जाता और सारी चीज़ें अच्छे से मिल नहीं जाती। कंडेंस मिल्क थोड़ा सा टाइट होता है तो आपको 2 से 3 मिनट लग सकते हैं, सो परेशान ना होइएगा। मैं इसे 1 से 2 मिनट के फेंट रही थी, तो अब हम छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उस ब्रेक में हम लोग एक मिक्सचर को बना लेते हैं। तो मिक्सचर होगा 3/4 कप दूध। सब चीज़, जब भी आप केक बनाते हैं तो सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना होगा, और 1 छोटी चम्मच विनेगर। अब हम इन सारी चीज़ों को, मतलब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और साइड में रख देंगे। चलिए वापस से फेंट लेते हैं अपने कंडेंस्ड मिल्क के मिक्सचर को। एक से दो मिनट तक फेंटने के बाद आप देख सकते हैं कंडेंस मिल्क का कलर भी थोड़ा सा लाइट हो चुका है और ये लाइट और फ्लफी भी हो चुका है। तो इसी स्टेज में हम डाल देंगे अपने दूध और विनेगर का मिक्सचर। आप देखेंगे कि ये दूध और विनेगर का मिक्सचर थोड़ा सा फट सा गया होगा, मतलब समझ लीजिए कि आपका दूध तैयार है। और अब हम कंडेंस मिल्क और दूध को भी अच्छे से मिला लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दूध और कंडेंस मिल्क भी अच्छे से मिल चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले बोल के ऊपर रख दीजिए एक बड़ी सी छन्नी और उस पर डालिए 1/2 कप मैदा, 4 बड़े चम्मच कोको पाउडर। 4 बड़े चम्मच मतलब 1/4 कप होता है, तो आप उस मेजरिंग कप से भी नाप सकते हैं। और फिर हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और इन सारी चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों को डालना ही बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जो बेकिंग पाउडर होता है वो आपके केक को स्टार्टिंग में फुलाता है और जो बेकिंग सोडा होता है वो उसे बाद में फुलाने का काम करता है। तो अगर आप दोनों नहीं डालेंगे तो आपका केक बिल्कुल भी अच्छे से फूलेगा नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छान लिया है।
अब हम इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स दोनों को अच्छे से मिला देंगे। पहले हम स्पैचुला से मिलाएंगे कट एंड फोल्ड मेथड की हेल्प से, और बाद में विस्कर से इसका स्मूथ बैटर बना लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा बैटर तैयार है, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा थिक लग रहा है, इसलिए मैं इसमें 2 बड़े चम्मच दूध और ऐड कर लूँगी। अगर आपका बैटर स्मूथ कंसिस्टेंसी का है तो आप दूध मत डालिएगा, लेकिन अगर थोड़ा थिक है तो फिर 2 बड़े चम्मच दूध डाल दीजिएगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम एक स्मूथ बैटर बन के तैयार है, तो आप इसे 1 से 2 बार और मिला लीजिए और इसे अपने ग्रीस टिन में डाल लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बैटर एकदम रिबन कंसिस्टेंसी का है, मतलब एकदम एक रिबन की तरह गिर रहा है। तो जब भी आप केक बनाए तो आपका बैटर हमेशा रिबन कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। पोर करने के बाद हम केक टिन को 1 से 2 बार टैप कर लेंगे, इससे ये ऊपर से इवन तो हो ही जाता है, प्लस जो बड़े एयर बबल्स होते हैं वो भी हट जाते हैं। अब हम इसे अपने प्री हीटेड कढ़ाई में केयरफुली एक टोंग की मदद से डाल लेंगे, और अब हम इसे 40 मिनट के पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर। अगर आपके ढक्कन में छेद है जैसे कि मेरे में है, तो आप इसे गूंदे हुए आटे से ढक दीजिएगा। मैंने इसे बीच में ढका था और बाद में निकाल दिया था। चालीस मिनट बाद जैसे कि आप देख सकते हैं केक बहुत ही अच्छे से फूल चुका है, तो अब हम इसमें एक टूथपिक इंसर्ट करेंगे और देखेंगे कि केक पक चुका है कि नहीं। अगर आपका टूथपिक मतलब एकदम साफ बाहर आता है, मतलब आपका केक पक चुका है, लेकिन अगर उस पर कुछ भी चिपका होगा, मतलब वो अभी कच्चा है, तो आप उसे 5 से 10 मिनट और पका लीजिए। और अब हम केक को कढ़ाई से बाहर निकाल के थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। आप इसे पूरा भी ठंडा कर सकते हैं, ल्यूक वॉर्म में भी निकाल सकते हैं, लेकिन तुरंत मत निकालिएगा वरना केक टूट जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी केक बहुत अच्छे से पका है, तो उसे खुद ही साइड छोड़ दिए, तब भी आप इसे एक बार चाकू से स्क्रैच कर दीजिएगा। और अब इसे हम उल्टा लेंगे। और इसका बटर पेपर भी हम रिमूव कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है, और ये एकदम सॉफ्ट एंड स्पंजी भी है। सो आई होप आपको ये रेसिपी इजी लगी हो और आपको ये रेसिपी पसंद भी आई हो। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसी रेसिपीज पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग एंड टेक केयर। Thanks for watching.